गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सपना गुप्ता. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट डिटर्मिनेंट्स. व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड हाउ कैन वी एक्सपैंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट ए न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. सो अवर टुडेज टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3. बिकॉज इन केस ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ओके, so first of all we will study about minors and cofactors of elements of square matrix of order 2. okay, so 2 order ki square matrix ke elements ke minors or cofactors kaise find out karenge hum, abhi hum isko dekhenge. to let us understand with help of an example. we have a matrix A is equal to 1, 2, 3, 4. It is of order 2. So students, in this matrix there are 4 elements, and we will find minors and cofactors of all these 4 elements. So therefore there will be 4 minors and 4 cofactors. Chaliye, so first of all we will find minors, and after that we will find cofactors. Let us see. I'm writing here M11. So I'm using capital M for minor here. M11 means minor of element A11. M11 means minor of element A11. Similarly, I will write M12. It means minor of element A12. Next, I will write M21. It means minor of element 21. Next, M22. That is minor of element A22. So here, M11, that is minor of element A11. M12, minor of element A12. M21, minor of element A21. And M22, minor of element A22. Okay, so how will we find? Let us see. First of all, to find minor M11, yes. तो क्या करना है हमें minor M11 find out करने के लिए? Delete the row and column. Delete row and column in which element A11 lies. आप find out करने जा रहे हैं minor of A11. तो A11 जिस रो और कॉलम में लाई करता है, इन दिस रो एंड इन दिस कॉलम, ठीक है, इसे हम डिलीट कर देंगे, इसे हम छोड़ देंगे. और इसे छोड़ने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा डेट इज 4. तो हेयर 4 विल बी माइनर ऑफ एलिमेंट A11. तो हेयर M11 आपके पास आ गया है 4. सिमिलरली वी विल फाइंड M12. M12 मतलब माइनर ऑफ A12. सो A12 एलिमेंट जो आपके पास है डेट इज 2. तो ये 2 एलिमेंट जिस रो या कॉलम में लाई कर रहा है उसको आप डिलीट कर देंगे और उसको छोड़ देंगे आप. उसको छोड़ने के बाद जो आपके पास एलिमेंट बच रहा है डेट इज 3. तो हेयर 3 इज M12. ओके, सिमिलरली वी विल फाइंड M21 एंड M22. M21 और M22 हम फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल M21 सेम A21. M21 मतलब माइनर ऑफ A21. तो A21 एलिमेंट जिस रो या कॉलम में आपके पास लाई कर रहा है उसे आप छोड़ के आपके पास जो एलिमेंट बचेगा दैट इज 2. तो हेयर 2 इज M21. ओके, सिमिलरली वी विल फाइंड M22. M22 मतलब A22 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसे हमने डिलीट कर दिया. उसे डिलीट करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचता है 1. तो M22 विल बी 1.
तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, M11 आपने कैसे फाइंड आउट किया, M12, M21, M22, ओके। M11 के लिए आपने A11 के जो कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम है उसे आपने डिलीट कर दिया, जो रिमेनिंग एलिमेंट 4 है दैट विल बी M11। सिमिलरली M12 मतलब A12 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसे डिलीट करके जो बाकी आपके पास एलिमेंट बचता है 3 दैट विल बी M12। सिमिलरली M21 A21 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करके हमारे पास जो एलिमेंट बचता है दैट इज 2 दैट इज M21। सिमिलरली M22 इज 1। ओके, नाउ वी कम टू कोफैक्टर्स। हाउ कैन वी फाइंड कोफैक्टर्स, तो लेट अस सी हाउ कैन वी फाइंड कोफैक्टर्स। तो देर आर 4 माइनर्स, ये 4 माइनर्स हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। ओके, तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने से पहले देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। लेट अस सी व्हाट इज रिलेशनशिप। ए आई जे, हेयर आई एम यूजिंग कैपिटल ए, हेयर कैपिटल ए इज यूज इन ऑर्डर टू शो माई कोफैक्टर, इन ऑर्डर टू शो कोफैक्टर। तो फॉर कोफैक्टर्स वी यूज कैपिटल ए, ओके, एंड फॉर माइनर वी यूज कैपिटल एम। ओके, तो ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे इंटू एम आई जे। तो लेट अस सी, तो अभी मैंने आपको बताया कि माइनर के लिए हम कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, ठीक है। को फैक्टर के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए 11 इट मीन्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए 11, ओके। सिमिलरली ए 12 इट मीन्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए 12। सिमिलरली ए 21 डेट इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए 21 एंड ए 22 इट मीन्स को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए 22, स्मॉल ए 22, क्योंकि हम एलिमेंट्स के लिए स्मॉल अल्फाबेट यहां पे यूज करते हैं और को फैक्टर के लिए हम कैपिटल ए यहां पे यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल, माइनस आपके आ गए हैं, माइनस की हेल्प से बड़ी इजिली आपके विद इन सेकेंड्स आपके पास को फैक्टर्स आ जाएंगे। तो लेट अस सी कैसे। ए 11, तो एट द प्लेस ऑफ आई पुट 1, एट द प्लेस ऑफ जे पुट 1, तो वी विल गेट -1 रेज टू पावर 2 इंटू एम 11। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, M11 तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हो, तो जस्ट पुट द वैल्यू M11 इज 4, तो -1 रेज टू पावर 2 +1 इंटू 4 इट विल बी 4। तो ये आपके पास A11 का कोफैक्टर भी आ गया, माइनर भी आपके पास आ गया। नेक्स्ट वी विल फाइंड एम A12, तो A12 सिमिलरली एट द प्लेस ऑफ आई पुट 1, एट द प्लेस ऑफ जे पुट 2, तो -1 रेज टू पावर 1 +2 आपके पास आ जाएगा 3 M12, तो इट विल बी -1 इंटू 3, तो इट्स वैल्यू विल बी -3। सिमिलरली नेक्स्ट M21 सेम, -1 रेज टू पावर 2 +1 3 इंटू M21 एंड वी विल गेट वैल्यू -1 रेज टू पावर 3 -1 एंड द वैल्यू ऑफ M21 इज 2, तो इट विल बी -2। ओके, नेक्स्ट कम टू A22, सो A22 विल बी -1 रेज टू पावर 4 इंटू M22, सो इट विल बी -1 रेज टू पावर 4 +1, इट्स वैल्यू इज 1, तो A22 विल बी 1, सो A22 विल बी 1। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपके पास माइनस आ गए थे, माइनस की हेल्प से आपके पास कुछ ही सेकंड्स में आपके पास को फैक्टर्स भी आ गए। A11 आपने फाइंड आउट किया, -1 रेज टू पावर, ये रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया। ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, हमने इसको यूज किया, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1, -1 रेज टू पावर 2 इंटू M11, M11 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आपने पुट कर दी, इट विल बी 4। सिमिलरली M12 आपके पास आ गया -3, M21 -2 एंड M22 1। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो इट्स वेरी सिंपल, स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हम ऑर्डर 3 की बात करेंगे यहाँ पे। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो लेट अस सी। माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ओके।
So let us see. We have matrix A. एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है ऑफ ऑर्डर थ्री, वन टू माइनस वन थ्री फोर जीरो फोर फाइव वन. तो स्टूडेंट यू कैन सी इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री एंड इन दिस देयर आर नाइन एलिमेंट्स. तो देयर फोर वी विल फाइंड नाइन माइनर्स एंड नाइन कोफैक्टर्स. ओके, बिकॉज देयर आर नाइन एलिमेंट्स. तो अभी हमने जो टू ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की थी वहां पे फोर एलिमेंट्स थे, तो फोर माइनर्स और फोर कोफैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे. एंड इन दिस केस वी विल फाइंड नाइन माइनर्स एंड नाइन कोफैक्टर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलरली वी विल यूज सेम नोटेशन, एम फोर माइनर एंड कैपिटल ए फोर कोफैक्टर. तो हेयर आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एम वन वन, दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन. नेक्स्ट एम वन टू, ओके. नेक्स्ट एम वन थ्री, ठीक है. तो एम वन वन इट मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन, एम वन टू माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन टू, एम वन थ्री माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन थ्री. सिमिलरली नेक्स्ट एम टू वन, दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू वन. नेक्स्ट एम टू टू, नेक्स्ट एम टू थ्री, नेक्स्ट एम थ्री वन. तो टोटल नाइन आपके पास माइनस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो हम उनको पहले से लिख लेते हैं. एम थ्री वन, एम थ्री टू, एंड नेक्स्ट इट विल बी एम थ्री थ्री. तो नाइन माइनस हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वन बाय वन हम करते हैं फाइंड आउट. देखिए कैसे करेंगे. तो सबसे पहले एम वन वन, डेट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ए वन वन, हम इसका माइनर फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, क्या करना है आपको, ए वन वन आपका जिस रो और कॉलम में लाई कर रहा है उसको आप डिलीट कर देंगे, उसको आप छोड़ देंगे. उसको छोड़ने के बाद जो आपके पास बच रहा है डेट इज 4051, ठीक है. इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ टू ऑर्डर, ये हमारे पास टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट. यहां पे हम इसको लेकर चलेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है 4051. 4051 आई विल राइट एज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट 4051. एंड वी हैड डिस्कस्ड इट यस्टरडे, कल हमने जो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था सॉरी उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो सेम इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं 4 इंटू वन 4 माइनस 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, तो इट्स वैल्यू विल बी 4. नेक्स्ट सेम एम वन टू, डेट इज ए वन टू. तो ए वन टू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास जिस रो या कॉलम में लाई कर रहा है उसे आप छोड़ देंगे, और आपके पास एलिमेंट बच रहा है 3041. तो 3041 इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 0 इट विल बी 3. तो स्टूडेंट्स ऐसे हम फाइंड आउट करते चले जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल. ए वन थ्री, सिमिलरली ए वन थ्री इट विल बी 3445 3445 3445, एंड इट विल बी 15 माइनस 16 दैट इज माइनस 1 माइनस 1. नेक्स्ट सिमिलरली एम टू वन, डेट इज माइनर ऑफ ए टू वन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, इसे छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 माइनस 1 5 1 2 माइनस 1 5 1. एंड इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आएगा 2 प्लस 5, ओके इट विल बी 7. सिमिलरली नेक्स्ट एम टू टू, डेट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू टू. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो है, इसे छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 4 1 1 माइनस 1 4 1 1 माइनस 1 4 1. ओके एक्सपेंड कर लेते हैं, टू वन प्लस फोर इट विल बी 5. ओके नेक्स्ट एम टू थ्री, डेट इज ए टू थ्री एलिमेंट का माइनर. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसे हमने डिलीट कर दिया, उसे छोड़ दिया, तो वी विल गेट 1 2 4 5 1 2 4 5. एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग वी विल गेट 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3. नेक्स्ट एम थ्री वन, सिमिलरली एम थ्री वन मतलब ए थ्री वन का आपको माइनर फाइंड आउट करना है. तो ए थ्री वन जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और जो आपकी रो है और कॉलम है उसे छोड़ दिया, क्या बचेगा 2 माइनस 1 4 0 2 माइनस 1 4 0. तो आई एम राइटिंग हियर 2 माइनस 1 4 0 एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग वी विल गेट 4 0 इट विल बी प्लस 4. नेक्स्ट एम थ्री टू, एम थ्री टू मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट ए थ्री टू. तो इस कॉलम को रो को छोड़ दिया, वी विल गेट 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 1 3 0. तो आई एम राइटिंग हियर 1 माइनस 1 3 0 एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग वी विल गेट 3 एंड द लास्ट एम 3 3 दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट ए 3 3.
सो ये थ्री थ्री एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को हमने छोड़ दिया, हमारे पास बचेगा 1 2 3 4. तो वी विल गेट 1 2 3 4 एंड आफ्टर एक्सपेंडिंग वी विल गेट -2. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि हमने सभी 9 के 9 माइनर्स फाइंड आउट कर लिए हैं. तो इट्स वेरी सिंपल, माइनर्स हमारे पास 9 के 9 आ गए हैं. नाउ वी विल फाइंड कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम सेम वही रिलेशन यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको जो टू ऑर्डर की हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जो माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो हमने रिलेशन यूज किया, एंड दैट रिलेशन इज, रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था ए आई जे, ठीक है, उसी को हम फॉलो करेंगे. यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू -1 raised to power i + j इंटू एम आई जे. चलिए देखते हैं. तो स्टूडेंट्स एम आपके पास माइनस आ चुके हैं, तो कोफैक्टर्स तो बहुत इजिली आ जाएंगे आपके पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम कैपिटल ए यूज कर रहे हैं, a11 मतलब -1 raised to power 2 इंटू m11, तो इट विल बी, इट इज 4, तो इट विल बी 4. ओके, सिमिलरली a12, ठीक है. तो स्टूडेंट्स आई थिंक अब आप इसको लिख सकते हैं सेम इसी मैनर्स में आपको लिखते चले जाना है. तो -1 raised to power 3, तो -1 raised to power 3 आपके पास हो जाएगा -1 इंटू या जाएगा आपके पास -3. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो नीचे सफिक्सेस हैं, अगर इन सफिक्सेस का सम ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, जो आपका माइनर है और जो कोफैक्टर है उनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे. जैसे ये 1-1 था, सफिक्सेस का सम इवन है, तो अगर माइनर 4 है तो कोफैक्टर भी 4 ही आएगा. बट m12 के केस में सफिक्सेस का सम 1 + 2 = 3, और -1 raised to power 3 क्या हो गया आपके पास, नेगेटिव हो गया. तो इस केस में अगर ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट a13, अगर आपको a13 फाइंड आउट करना है, तो a13 में -1 raised to power 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट a21, अभी 2-1 है, तो -1 raised to power 3 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो a21 आपके पास आ जाएगा -7. तो अगर सफिक्सेस का जो सम है ऑड नंबर आ रहा है, तो जो माइनर आपके पास है आपके पास, तो उसका साइन चेंज करके आप कोफैक्टर के लिए लिख दीजिए. सेम m22 है अगर, तो a22 यहाँ पे सेम रहेगा, 5 ही आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट a23, यहाँ पे ऑड है तो -3 है, तो ये कितना हो जाएगा, +3. नेक्स्ट सिमिलरली a31, यहाँ पे सफिक्सेस का जो सम है वो इवन नंबर है, डेट्स वाई सेम रहेगा, 4. ओके, नेक्स्ट a32, यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे 3 है, तो हेयर ये आ जाएगा -3. एंड द लास्ट a33, यहाँ पे सफिक्सेस का जो सम है आपका वो इवन नंबर रहेगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, इट विल बी -2. सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, माइनर्स एक बार आपके आ जाए तो कोफैक्टर्स तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं. तो माइनर्स के लिए हम कैपिटल एम यूज कर रहे हैं, और हम कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल ए यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो माइनस आपको समझ में आ गए हैं कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया है. उसके बाद कोफैक्टर्स आप इस रिलेशन की हेल्प से करेंगे. तो अभी मैंने आपको बताया वेरी सिंपल, अगर सफिक्सेस का जो सम है वो इवन नंबर है, तो एज इट इज जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा. एंड इन केस अगर आपका सफिक्सेस का सम ऑड नंबर आ रहा है, तो आपका जो माइनर आता है उसका जस्ट साइन चेंज आप कर देंगे. अगर माइनर आपका पॉजिटिव है तो कोफैक्टर जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, अगर माइनर नेगेटिव है तो कोफैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्टडी किया माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. तो इस तरीके से 9 के 9 माइनर्स और कोफैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए अब इसमें मैं एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट मैंने आपको फाइंड आउट करना बताया था, और मैं इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे हम फिर से इसको देखेंगे. और क्योंकि मैं इसको माइनर को फैक्टर्स से अभी एक्चुअल में रिलेट करना चाह रही हूँ, तो याद कीजिए मैंने आपको फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंड करना बताया था. यहाँ पे फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं a11 a12 a13 आपको बताया था मैंने, याद करा दूँ आपको. तो इसमें सबसे पहले आप देखिए हम क्या लिखते थे यहाँ पे, जब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता था, तो a11 फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते थे a11 लिखते थे, उसके बाद -1 raised to power 2. ओके, -1 raised to power 2. ओके, और उसके बाद a11 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम है उसे छोड़ के जो आपके पास बचता था 4051. ओके, ये लिखा था हमने, ठीक है. नेक्स्ट इसको ध्यान से देखिए, ये जो -1 raised to power 2 4051 ये जो आपने लिखा है, एक्चुअल में ये क्या है, ये आपने क्या फाइंड आउट किया है. इधर देखिए -1 raised to power 2 यहाँ पे भी आपने लिखा है -1 raised to power 2, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 4051, दैट इज m11 भी आपने ये फाइंड आउट किया. ओके, तो देखा जाए तो ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, -1 raised to power 2 4051. व्हाट इज दिस इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a11,
दिस इज कोफैक्टर ऑफ, दिस इज कैपिटल ए वन वन, जो ओवरऑल ये जो हम लिखते थे, जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते थे, ये जो ए वन वन के बाद जितना भी मैंने लिखा है एक्चुअल में ये क्या है, कैपिटल ए वन वन, ठीक है। आप फिर से देखिए कैसे, माइनस वन इज टू पावर टू, माइनस वन इज टू पावर टू, दिस इज एम वन वन, और एम वन वन की वैल्यू यही है 4051, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 4051। तो ये जो आपके पास पूरी टर्म है ये क्या शो कर रही है, कैपिटल ए वन वन, कैपिटल ए वन वन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूं तो नेक्स्ट हम क्या लिखते थे, ए वन टू माइनस वन रेज टू पावर थ्री, ओके सेम। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 3041, तो 3041। तो स्टूडेंट यू कैन सी सेम ये जो आपके पास आ रहा है माइनस वन रेज टू पावर थ्री इंटू 3041, ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ए वन टू, ए वन टू। अगर आप ए वन टू फाइंड आउट करोगे तो सेम यही आएगा, माइनस वन रेज टू पावर थ्री इंटू एम वन टू, डेट इज यही 3041। तो ये इसकी वैल्यू क्या आपके पास आ गई है, कैपिटल ए वन टू। तो दिस इज कैपिटल ए वन वन एंड दिस इज कैपिटल ए वन टू। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट करेंगे डेट इज ए वन थ्री, तो स्टूडेंट्स आपके पास यही चीज आएगी, माइनस वन रेज टू पावर फोर एंड ए वन थ्री एलिमेंट 3445। तो सेम ये 3445 आपके पास क्या है, एम वन थ्री। तो ये ओवरऑल आपके पास क्या बन गया, नीचे ए वन थ्री, कैपिटल ए वन थ्री। तो दिस इज कैपिटल ए वन वन, दिस इज कैपिटल ए वन टू एंड दिस इज कैपिटल ए वन थ्री। तो कुल मिला के आपके पास जो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ गई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपके पास आ गई है ए वन वन, कैपिटल ए वन वन प्लस ए वन टू, कैपिटल ए वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू कैपिटल ए वन थ्री। और ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ डेल्टा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट की, डेट इज डेल्टा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, मैं यहां पे लिख देती हूँ, दिस इज इक्वल टू डेल्टा। ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ गई है। तो डेल्टा की जो वैल्यू है इसको हम एक दूसरी टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, यू कैन सी इट इज द सम ऑफ एलिमेंट, दिस इज द सम ऑफ एलिमेंट, यहां पे एलिमेंट्स का सम हो रहा है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, सॉरी इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स। ये मैंने अभी फर्स्ट रो की हेल्प से आपको डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाया, अगर आप सेकंड रो की हेल्प से निकालेंगे तो सेकंड रो के ही एलिमेंट्स होंगे और उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां से एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री की, डेफिनेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, ओके। तो ये हमने फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपेंड किया तो आपके पास ये आ गया, अगर आप सेकंड रो की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे तो विल बी ए टू वन स्मॉल ए टू वन कैपिटल ए टू वन प्लस स्मॉल ए टू टू कैपिटल ए टू टू प्लस स्मॉल ए टू थ्री प्लस कैपिटल ए टू थ्री। आप किसी कॉलम की हेल्प से करते हैं तो सेम यही प्रोसेस रहेगा कि जिस रो या कॉलम पे आप एलिमेंट्स ले रहे हैं उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप एड कर देंगे तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट, ओके। तो कहीं ना कहीं माइनस और कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, जो हमने समझा था कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हमारे माइनस और कोफैक्टर्स से रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा आगे यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वी कम टू आपके पास डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो डिटर्मिनेंट जो है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसे सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में मैंने स्टार्ट किया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको किसी भी मैट्रिक्स को अगर ये चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नहीं तो आपने करना क्या है, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट आपको आई गया फाइंड आउट करना टू ऑर्डर का भी थ्री ऑर्डर का भी, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, जीरो है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट वी कम टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर, और अगर जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर। तो इट्स वेरी सिंपल,
कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगी, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा. तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो जस्ट फाइंड इट्स डिटरमिनेंट. इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, देन इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन इट मीन्स मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ देयर इज वन मोर रिजल्ट अबाउट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. द रिजल्ट इज इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, दोनों नॉन सिंगुलर है, इट मीन दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है. ठीक है, सेम ऑर्डर की है. और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, चाहे ए बी फाइंड आउट कर लें चाहे बी ए फाइंड आउट कर लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस आएंगी ए बी एंड बी ए, वो भी नॉन सिंगुलर होंगी. मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. या बी ए फाइंड आउट कर लें तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा. तो इट्स ए वेरी सिंपल और बहुत ही छोटा सा रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको करते हैं. सारस डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री. हमने थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड किया, मैंने आपको बताया, माइनस और कोफैक्टर्स को भी बल्कि रिलेट किया, और लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था. लेकिन आज एक छोटा सा मैं और इसमें कुछ एडिशन आपको करके बता रही हूँ. थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक सारस डायग्राम है, हम उसकी हेल्प से भी एक्सपेंड कर सकते हैं. बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको एग्जाम में गिवन है कि विद हेल्प ऑफ सारस डायग्राम एक्सपेंड कीजिए, तब वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. अदरवाइज देर इज नो नीड कि आपने इसी डायग्राम से एक्सपेंड करना है. तो जस्ट नॉलेज के लिए कि क्या होता है सारस डायग्राम और कैसे हम थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सारस डायग्राम की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, लेट अस सी. ठीक है, तो इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन देन यू विल एक्सपेंड विद हेल्प ऑफ सारस डायग्राम. अदरवाइज जैसा कि आपको पीछे बताया गया वैसे ही एक्सपेंड करेंगे. तो जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे आपके पास एक थ्री ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट आपके पास गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 2. ठीक है, आपने इसको एक्सपेंड करना है. तो स्टूडेंट्स सिंपल है बिल्कुल. करना क्या है, सबसे पहले आप तीनों के तीनों आपके जो कॉलम्स हैं उनको आप इसी ऑर्डर में लिख लीजिए, 1, 4, 1, 2, 5, 0, 3, 6, 2. ठीक है, इसी ऑर्डर में लिख दिया आपने. उसके बाद जो आपके फर्स्ट टू कॉलम्स हैं उनको आप रिपीटेशन में लिख लीजिए, फिर से इनको दोबारा लिख लीजिए, 2, 5, 0. ओके, लिख लिया. उसके बाद जो डायगनल्स हैं यहाँ से हम बनाएंगे, जैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैंने ये 1, 5, 2. ठीक है, इस तरफ से आप, ठीक है, आप ऊपर से नीचे आप बनाएंगे ऐसे 3, 4, 0. ठीक है, ये बना लिया मैंने. अब आपने करना क्या है, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1, 5, 2, 1, 5, 2. इट विल बी 10. यहाँ पे लिख लेंगे 10, बीच में प्लस डाल देंगे, प्लस. सिमिलरली 2 × 6 × 1, इट विल बी 12, प्लस 3 × 4 × 0, इट विल बी 0. तो सम कर दिया आपने, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, माइनस. ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉटेड ऐसे ही मैं यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे डायगनल्स बना रही हूँ. यहाँ पे मैं डॉटेड, थोड़ा सा आप डिफरेंस के लिए आप एक डॉटेड लगा सकते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 5 × 3 × 1, इट विल बी 15. नेक्स्ट सेम, 6 × 1 × 0, इट विल बी प्लस 0. नेक्स्ट 4 × 2 × 2, इट विल बी 16, प्लस 16. नाउ इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है. इट इज 22, इट विल बी माइनस 31, एंड आंसर विल बी माइनस 9. ओके, तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, सारस डायग्राम की हेल्प से आपने एक्सपेंड किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. तो बहुत सिंपल है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा. और अगर आप इस डिटर्मिनेंट को अपना जो आपका मेथड है, जो आप माइनस को फैक्टर्स की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, अगर आप वैसे भी एक्सपेंड करेंगे आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर माइनस 9 ही आएगा. चलिए, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं यहाँ हमने आज पढ़ लिया है, हमने काफी कुछ पढ़ा है आज. आज हमने साइज डायग्राम पढ़ा, हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, स्पेशली हमने माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में स्टडी किया. तो यहाँ पे भी मैं एक बात और करना चाहूंगी जो कि शायद मैंने पहले भी की थी, बुक्स की मैंने बात की थी आपसे. तो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लस एनसीईआरटी मैंने कहा था आप दोनों फॉलो कर सकते हैं. स्टूडेंट जो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ले रही हूँ, ये मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली ले रही हूँ. यहाँ पे जो जैसे चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, अब चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स होगी भी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके पास जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के साथ फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, जो एनसीईआरटी है उसमें सारी जो मैट्रिसेस है वो दो चैप्टर्स में ही डिवाइडेड है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. तो जो आपका चैप्टर 3 है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स वो एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में इनवर्स के बाद लिया जाता है. तो अभी हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं, तो जैसे डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता है उसके बाद हम एडजॉइंट और इनवर्स पे आएंगे,
और वहां पे फिर उसके बाद हम करेंगे इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहां पे जो मैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइजेस हैं या उसका जो ऑर्डर है मैं यहां पे फॉलो कर रही हूं, लेकिन एनसीईआरटी के साथ भी लगभग लगभग सब मैच हो रहा है। कुछ आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका कुछ भी बचेगा नहीं, आपका सब कुछ कवर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने जितना भी आपको कराया आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो स्टूडेंट्स टिल देन बाय।